गाइस मैंने ये खुतरों की सब्ज़ी काट दी है और इसमें एक प्याज भी ऐड कर दिया है। तो आज अब मैं बनाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरी खुतरों की सब्ज़ी कैसे बनती है। तो गाइस ये रहा सरसों का तेल, सरसों का तेल मैंने इसमें डाल दिया है। इसमें अच्छे से ही सरसों का तेल पड़ता है, तो अच्छे से ही इसमें सरसों का तेल डालते हैं और जख्खा का लगाते हैं तड़का। तो तेल को अच्छे से गर्म होने देती हूँ पहले, फिर तो बस ये रहा जख्खा, मैं ये है काले काले बीज जख्खा के, और तेल हो गया मेरे अच्छे से गर्म, तो मैं डालती हूँ इसमें जख्खा। जख्खा के तड़के इसके साथ बहुत ही अच्छा होता है ये। तो ये हो गया है, अब इसमें कर देती हूँ मैं सब्ज़ी ऐड। तो गाइस ये रहा मेरा ऑर्गेनिक मसाले जो सारे घर से लाए हैं, हल्दी नमक मिर्च और धनिया इसमें ऐड करते हैं। तो पहले मैं डालती हूँ मिर्च, पहले डाल देते हैं इसमें हम मिर्च, इसके बाद डालते हैं थोड़ा सा हल्दी, और उसके बाद डालते हैं नमक। भाई है नमक की बारी, नमक नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालिएगा। और उसके बाद डालते हैं इसमें धनिया, और बाकी कुछ भी ऐड नहीं करना है, कुछ भी नहीं डालना है। तो इतना सुंदर, इतना टेस्टी, बहुत अच्छी सब्ज़ी इसकी बनती है। देखो देखो कैसे फटाफट से बन जाता है ये। तो थोड़ा सा पकने के लिए अब थोड़ा सा अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे, और फिर पकने के लिए रख देती हूँ, और फिर आपको बताती हूँ कैसे बनी है। ठीक है, 10 मिनट हो गए हैं और मैंने इसका ढक्कन हटा दिया है, और इसको देख लें बनी कि नहीं बनी। अब थोड़ा सा और 2-5 मिनट और रखती हूँ, बन जाएगा। मैंने धीमी आँच में बना रही हूँ इसको, तो बनने ही वाला है। बस इसका स्वाद बहुत सुंदर होता है, बहुत ही टेस्टी स्वाद होता है। थोड़ा सा और 5 मिनट और। तो गाइस फाइनली मेरी सब्जी बनके हो गई है रेडी तैयार। तो आइए और खाइए खुतरों की सब्जी। तो मैंने गैस कर दिया ऑफ। तो फाइनली गाइस मेरी खुतरों की सब्जी बनके रेडी है। तो ये रही मेरी खुतरों की सब्जी। तो बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी मेरी खुतरों की सब्जी, ज़रूर मैसेज कीजिएगा, और हम भी खा के देखते हैं कैसे इसका टेस्ट है। तो बाय।